focuses on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech. देश में समाज को बांटने और सांप्रदायिकता फैलाने की बहस कराकर तमाम जनता का ध्यान भटकाकर एक चोर दरवाजे से एक बेहद खतरनाक कानून लाने का प्रयास मोदी सरकार कर रही है। आज की इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आम आदमी पार्टी आप लोगों के समक्ष उस कानून की पूरी रूपरेखा और उस कानून के पीछे की असली मंशा क्या है वो आपके समक्ष रखेगी और उम्मीद करेंगे कि आप अपने कैमरा और अपने कलम के माध्यम से ये तमाम बातें देश की जनता तक पहुंचाएं। दोस्तों, 2014 में मोदी सरकार अपना कार्यकाल शुरू करती है और सबसे पहले वे जनधन योजना लाते हैं। जनधन योजना में तमाम जनता का, गरीब आदमी का, लोअर मिडिल क्लास का, जिन लोगों का बैंक अकाउंट नहीं भी था उनका बैंक अकाउंट खुलवाने के प्रयास करती है और नए नए प्रकार की इंसेंटिव देकर उनके बैंक खाते खुलवाती है। उसके लगभग 1.25 साल बाद देश में मोदी सरकार एक और योजना लाती है। उस योजना का नाम है नोटबंदी। नोटबंदी के जरिए देश के आम इंसान को मजबूर किया जाता है कि उसके पास जितना पैसा है वो सारा पैसा बैंक के खाते में जमा करा दिया जाए। तो पहली योजना रही जनधन योजना, जिससे तमाम जनता के बैंक खाते खुलवाए। दूसरी योजना रही नोटबंदी, जिसके जरिए तमाम पैसे को बैंक के खाते में जमा कराया और मजबूर करा और कहा कि यदि आप इस पैसे को बैंक के खातों में नहीं जमा कराएंगे तो आपका पैसा अवैध हो जाएगा, आपका पैसा कागज का टुकड़ा हो जाएगा, आपका पैसा समाप्त हो जाएगा। अब उसके बाद एक और महत्वपूर्ण नीति मोदी सरकार लाई, यानी कि विड्रॉल लिमिट्स, विड्रॉल की सीमा तय करी। जब आपका पैसा बैंक में जमा हो गया तो आपके ऊपर एक सीलिंग इंपोज कर दी गई, एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई कि आप इस अमाउंट से ज्यादा पैसा अपने बैंक से विड्रॉ नहीं कर सकते, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा बैंकिंग सिस्टम में रहे। बैंक के खाते खुलवाओ, मजबूरन सारा पैसा बैंक में जमा कराओ और फिर बैंक से निकालने ना दो, उसकी एक सीमा तय कर दो, एक रिस्ट्रिक्शन लगा दो। अब चौथी योजना इस पूरे इस कार्यकाल में, इस पूरे क्रम में जो जुड़ती है, इस जिग्सॉ पजल का जो आखिरी हिस्सा है, वो मोदी सरकार अपने पार्लियामेंट के शीतकाल सत्र में लाने जा रही है। उस योजना का नाम है द फाइनेंशियल रेजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल 2017, द फाइनेंशियल रेजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल 2017। साथियों, इस बिल के माध्यम से आम इंसान का जमा कराया गया सारा पैसा बैंक हड़प सकता है, आपसे बिना पूछे वो सारा पैसा हड़प सकता है और आपको किसी प्रकार की कोई भी रेमेडी अवेलेबल नहीं है, ना आप ये सारा पैसा हड़प सकता है। अब बैंक को नुकसान कैसे होता है? जो पूंजीपति, अरबपति, बड़े धन्ना सेठ, जिन्होंने हजारों करोड़ों रुपए का कर्ज इन बैंकों से लिया है और अब विलफुल डिफॉल्टर बन गए हैं, यानी कि वे पैसा वापस नहीं कर रहे, तो बैंक को नुकसान होता है। उस नुकसान की भरपाई करने का हवाला देकर, इस कानून का सहारा लेकर बैंक इस देश के आम इंसान का सारा पैसा हड़प सकते हैं। एक योजनाबद्ध तरीके से इस पूरे षड्यंत्र को अंजाम दिया जा रहा है। पहले काला धन समाप्त करने का फर्जी नारा देकर जनधन के अकाउंट खुलवाए, नोटबंदी करी, विड्रॉल्स पर आपकी सीमा तय करी
और अब जब सारा पैसा बैंकों में पहुंच रहा है तो उन बैंकों के पैसे पर बैंक हड़पने का, बैंक सारा पैसा खा जाए, पूंजीपतियों के जो कर्ज उन्होंने लिए हैं जो लौटा नहीं रहे उस नुकसान का हवाला देकर वो सारा पैसा ये बैंक जब्त कर लेंगे और आम आदमी के पास एक फूटी कौड़ी नहीं रह जाएगी। ये जो एफडी एफआरडीआई बिल है इसका सेक्शन 52 सबसे खतरनाक सेक्शन है जो कहता है कि तीन प्रकार से यह पैसा आपसे छीना जा सकता है। बैंक ये कहेगा कि हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि कई पूंजीपति जिनको हमने बड़े बड़े लोन्स दिए थे वो सारे लोन्स डकार गए हैं और पैसा लेकर फरार हो गए हैं, अब हमारा बैंक नुकसान में जा रहा है तो हम तीन प्रकार से आपका पैसा ले सकते हैं। पहली स्थिति, जितना भी पैसा आपने जमा कराया है अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में या करंट बैंक अकाउंट में या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में उसकी राशि को घटा देंगे, यानी कि 10 लाख रुपए यदि आपकी पूरे जिंदगी की मेहनत की कमाई एक किसी बैंक में बंद है, बैंक के खाते में आपने जमा कराई है, उस खाते को का अमाउंट 10 लाख से घटाकर 2 लाख कर देंगे, 1.5 लाख कर देंगे और बाकी जो सारा पैसा है वह बैंक अपना नुकसान की भरपाई करने के लिए ले जाएगा। दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि बैंक ये बोलेगा कि जितना भी आपका पैसा हमारे यहां जमा है वे सारा का सारा पैसा हम ले रहे हैं और अपने नुकसान की भरपाई करेंगे क्योंकि इन पूंजीपतियों ने हमें पैसा नहीं चुकाया। तो एक स्थिति में आपका अमाउंट घटा देंगे बैंक में जो आपका अमाउंट पड़ा है, दूसरी स्थिति में सारा ही अमाउंट ले लेंगे और जो आखिरी स्थिति है उसमें यह करेंगे कि यह कह देंगे कि जितना भी आपका पैसा जमा है वो आप निकाल नहीं सकते अगले 20 सालों तक, अगले 15 सालों तक, उसका हमने फिक्स डिपॉजिट करा दिया, रेट भी हम बताएंगे क्या फिक्स डिपॉजिट का है, क्या समय सीमा रहेगी वो भी हम बताएंगे और अगले आने वाले 10 वर्ष 15 वर्ष 25 वर्ष तक आप उस पैसे को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, निकाल नहीं सकते। इन तीनों में से कोई भी एक चीज, इन तीनों स्थितियों में से कोई भी एक स्थिति या कोई भी दो स्थिति या तीनों की तीनों स्थिति बैंक अपना सकता है और बड़े पूंजीपतियों ने, धन्ना सेठों ने जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा लेकर बैंक को नुकसान पहुंचाया उस नुकसान की भरपाई कर सकता है। इसमें दो विचित्र बातें यह भी हैं कि क्योंकि यह एक कानून के जरिए लाया जा रहा है, भारत का पार्लियामेंट हमारी संसद इस कानून को पास करेगी, मोदी सरकार जिनकी भारी बहुमत है उसके चलते यदि ये पास होता है तो आपकी सुनवाई किसी कोर्ट में भी नहीं है, आप किसी लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाकर कोई याचिका दायर भी नहीं कर सकते कि भैया मैंने तो अपने 25 साल की कमाई इस बैंक में जमा कराई थी और बैंक मेरा सारा पैसा ले गया। कोई बैंक भी, कोई कोर्ट भी आपकी बात नहीं सुनेगा क्योंकि ये तो पूरे विधिवत तरीके से, एक योजनाबद्ध तरीके से, कानून संगत तरीके से मोदी सरकार करने जा रही है। दूसरी बात, इसमें आपकी रजामंदी नहीं ली जाएगी, यह भी समझ लीजिए, कोई आपसे दस्तावेज नहीं साइन कराया जाएगा कि भाई साहब आपके 8 लाख रुपए थे अब हम घटा के 2 लाख रुपए कर रहे हैं, कोई रजामंदी नहीं ली जाएगी, सारा पैसा बिना आपकी इजाजत के, बिना आपकी रजामंदी के बैंक हड़प सकते हैं। उदाहरण के तौर पर विजय माल्या का नाम आप सब जानते हैं, विजय माल्या जिन बैंकों के 9000 करोड़ रुपए लेकर फरार हैं इस देश से और वो पैसा नहीं लौटा रहे, उन बैंकों में जिस व्यक्ति का खाता है, जिस व्यक्ति ने पैसा जमा कराया हुआ है, कल को वो बैंक इस कानून लागू होने के बाद ये कह सकता है और जिस प्रकार से काम चल रहा है वो बैंक कहेगा भी कि भाई साहब विजय माल्या हमारा 9000 करोड़ रुपए लेकर भाग गया तो आप सबके खाते से हम 10-10 लाख रुपए ले रहे हैं और अपने नुकसान की भरपाई कर रहे हैं। यह स्थिति आने वाली है। यह कानून एफआरडीआई कानून इस देश की जनता के बैंक खातों पे एक न्यूक्लियर बम का काम करेगा। यह न्यूक्लियर बम आपके बैंक खातों पे फेंकने वाली है मोदी सरकार। इस प्रकार का कानून इस पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही देश ने लागू किया था,
इस प्रकार का कानून एक देश है जिसका नाम है साइप्रस, उसने इस कानून को पहले लागू करा था 2013 में, जब उनकी वित्तीय हालत थोड़ी खराब हुई तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करा और इस कानून को लागू करा। जब उन्होंने इस कानून को लागू करा तो उनका उनके देश का सबसे बड़ा बैंक यानी कि बैंक ऑफ साइप्रस के जितने भी 1,00,000 यूरो से अधिक खाता रखने वाले धारक थे, अकाउंट होल्डर्स थे, उनकी सारी संपत्ति जब्त हो गई बैंक ऑफ साइप्रस की। साइप्रस देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है, उसकी चाहे 1,00,000 यूरो से ज्यादा की संपत्ति वाला बैंक अकाउंट हो या 1,00,000 यूरो से कम संपत्ति वाला बैंक अकाउंट हो, तमाम धारकों के सारे पैसे हड़प लिए गए, जब्त कर लिए गए। यह हो चुका है 2013-2014 में साइप्रस में यह हुआ है और यह आने वाले समय में भारत सरकार योजनाबद्ध तरीके से, कानून संगत तरीके से आपके साथ करने जा रही है। साथियों, हम तो फ्रॉम योर अकाउंट सो एंड सो अमाउंट 1,36,000 हैज बीन डेबिटेड, योर अवेलेबल बैलेंस इज जीरो, फॉर इंफॉर्मेशन नमो #। तो आपका पैसा गया, किसी उद्योगपति ने करोड़ रुपए अपने धंधे के लिए उधार लिए और वो गायब हो गया और उसके अवज में आपका 1,00,000 रुपया जो आपके बैंक अकाउंट में था वो केंद्र सरकार ने हड़प लिया। और इस कानून को आप केवल स्टैंड अलोन मत देखिए, ये मत देखिए कोई FRDI नामक कोई बिल ये लोग लाने जा रहे हैं, इसको आप इनके पूरे कार्यकाल में जो जो इन्होंने फाइनेंस और बैंकिंग सिस्टम को कथातथ्य तौर पे सुधारने के लिए जो योजनाएं लाई गई हैं, चाहे वो जनधन हो, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो आपके विड्रॉल्स पे लिमिट्स हो, उन सबको देखिए, उस क्रम में देखिए, तो ये चौथा जो जिग्सॉ पजल में जो ये पीस लगता है वो ये पूरी कहानी को एक प्रकार से पूरा साफ करके आपके समक्ष रख देता है, जो हम पिछले 1.5-2 साल से कह रहे हैं कि इस सरकार का पूरा उद्देश्य यही है कि आम आदमी को ठगो, आम आदमी की जेब से पैसा निकालो और बड़े बड़े पूंजीपतियों की जेब में डालो। और अभी तक तो हम सुनते थे घोटाले होते थे कि भाई पैसा चोरी हो गया, पैसा रिश्वत ले ली, आम आदमी को ठग लिया, अब तो कानून संगत तरीके से किया जा रहा है। अब बड़े सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं ये लोग, पूरा कानून लाएंगे विधिवत तरीके से, कानून पे चर्चा करेंगे, कानून को पारित करेंगे, बोलेंगे ये तो कानून पूरे संसद ने पास करा है, हमें क्यों बोलते हैं, पूरे संसद ने पास करा है इस कानून को, अब आपका पैसा बैंक के पास है और बैंक जो चाहे वो करे, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। और मैं आपको फिर वही बात बता रहा हूं, इस किसी पूरी न्यायपालिका की व्यवस्था में कहीं आपकी अर्जी नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि ये कानून तौर पे लाया जा रहा है और इसमें कानून का उल्लंघन नहीं होगा यदि बैंक आपका सारा पैसा हड़प लेते।